सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि आपको मालूम है कि आपके जो है DLED इंट्रेंस एग्ज़ाम के जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों का जो है फॉर्म फिल करने में जो है नेम में मिस्टेक हो गया या डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिए, तो उसको लेकर जो है काफ़ी बच्चे परेशान हैं और काफ़ी कॉल और काफ़ी मैसेज कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जब आपने फॉर्म भरा तो अपनी बारीकी से क्यों नहीं भरा। पहला तो आपका ये गलती है और इस गलती को भी जो है सुधार किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी जो है आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप वहाँ जाएंगे और फिर से एडिट कर लेंगे। एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद जो है आपका एडिट का ऑप्शन अभी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में पूरी तरह से मतलब सचेत कर दिया था कि आप जो है फॉर्म जब भरेंगे तो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे, ना ही किसी प्रकार की आपके कास्ट में गलती करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने BC OBC की जगह BC या फिर EWS नहीं लगाने की जगह जनरल डालकर भरा है, फिर बाद में बोलेंगे सर मेरा कास्ट तो ये था, मैंने ये भर दिया, या किसी के मम्मी के नेम में मिस्टेक हो गया है। तो इस तरह की जो गलतियाँ आपने किया है इससे आपको आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। तो अभी आप धैर्य रहें, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि आपको फॉर्म भरने के बाद में भी बोर्ड जो है आपको एक दिन मौका देगी, एक या दो दिन मौका देती है फॉर्म सुधारने के लिए। तो उसमें मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा और आप लोग वहां से जो है फॉर्म को सुधार लीजिएगा। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि एक आपका नंबर दिया गया होगा जहां से आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे, वहां पर जाइएगा तो हेल्पलाइन नंबर दिया रहेगा या ईमेल आईडी दिया रहेगा, वहां पर कंसर्न कर ले बोर्ड को और उनसे पूछे कि क्या डेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि यह डेट मिलना और नहीं मिलना ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक अनुमान है वहाँ तक जो है आपको एक या दो दिन जो है मौका मिलता है, समझ रहे हैं। तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है अभी 8 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप लोग फॉर्म भरने में गलती नहीं करी, पहला स्टेप ही गलती कर रहे हैं तो फिर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, फिर आप जब एडमिशन में जाइएगा तो वहां से आपको नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से निवेदन है फॉर्म भरने में जो है गलती नहीं करें, ओके। और जिनका गलती हो चुका है वो अब धैर्य बनाकर रहें, क्योंकि आपसे गलती हो चुका है, अब आप कितना भी कूदिएगा कितना भी कूदिएगा तो अभी क्या होगा कि वो सही नहीं होने वाला है। जब बोर्ड जो है ऑटोमेटिक डेट देगी या फिर बोर्ड ऑफिस में आप कंप्लेन करें या अपना फ़ोन से जो है नंबर दिया हुआ है वहाँ पर, वहाँ से बात करें आपकी जो है मे बी कुछ वो बताएं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है वो यह है कि आपके फॉर्म भरने के एक दो दिन बाद जो है आपका मे बी सुधारने का भी दिया जाता है, क्योंकि फॉर्म भरने की दिनांक जो है बढ़ाई भी जा सकती है, समझ रहे हैं। तो आप सभी लोग धैर्य बना करें, जैसे भी होगी वैसे हम आपको बता देंगे, ओके। लेकिन जितने भी बाकी बच्चे जो भर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप सभी लोग फॉर्म भरने में गलती नहीं करें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।